हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा और हो सकता है कि आप बाइक में सवार होकर टोल टैक्स से गुजरे भी हों, लेकिन आपने देखा होगा कि टोल टैक्स में बाइक का टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, आखिर इसके पीछे की क्या वजह होती है कि बाइक का टोल टैक्स नहीं लिया जाता है, तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों से संबंधित वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, अगर हम बात करें टोल टैक्स की, तो टोल टैक्स का कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज रिकवर करने के मकसद से लिया जाता है, और ये मेंटेनेंस सड़क की वियर और टियर से संबंधित होता है। वियर और टियर का मतलब है कि जितनी ज़्यादा हैवी व्हीकल रोड पे चलेगी, उतना ही ज़्यादा रोड का वियर एंड टियर होगा। अगर हम बात करें बाइक की, तो बाइक एक हल्की और कम वियर एंड टियर करने वाली व्हीकल है, और बाइक रोड पे ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती है। लेकिन बाइक के मुकाबले अन्य वाहनों की बात करें, चाहे वो कार हो, ट्रक हो या अन्य हैवी व्हीकल हों, जो जिनका वज़न भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रोड में वियर और टियर होता है, इसी वजह से बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि बाइक की वजह से रोड में वियर एंड टियर कम होता है, यानी कि मेंटेनेंस चार्ज बाइक की वजह से बहुत ही कम होता है, और बाकी गाड़ियों की वजह से वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, तो उसमें मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा लगता है। इसी वजह से बाइक का टोल टैक्स नहीं लिया जाता और बाकी गाड़ियों का टोल टैक्स लगता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।